जहां एक तरफ बॉलीवुड सितारों पर एक बार फिर बरसा कोविड का कहर, तो वहीं सलमान खान के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आईं। क्या कुछ हुआ इस हफ्ते बॉलीवुड की दुनिया में, जानने के लिए डालिए नजर एब्सोल्यूट रील ऑफ द वीक पर। कोरोना वायरस का असर फिर से बॉलीवुड अभिनेताओं पर होता दिखाई दिया। हाल ही में अक्षय कुमार के बाद बॉलीवुड के और चार सितारे इस हफ्ते कोविड की चपेट में आए। कार्तिक आर्यन और आदित्य रॉय कपूर के बाद कैटरीना कैफ और शाहरुख खान कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस हाई अलर्ट पर है। सलमान की सिक्योरिटी में इजाफा करने के साथ उनके घर के बाहर की सेफ्टी को भी बढ़ाया गया है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि पुलिस ने उन लोगों की पहचान कर ली है जिन्होंने सलमान खान को धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी। पुलिस अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के 3 मेंबर्स ने सलमान खान और उनके पिता को धमकी भरा पत्र भेजा था। इन सब के बीच चौंका देने वाली खबर सामने आई कि सलमान खान को मारने के लिए उनके घर के बाहर शार्प शूटर को भी तैनात कर दिया था, जिसकी नज़र एक्टर की हर एक्टिविटी पर थी। वो अपने प्लान को अंजाम देने ही वाला था, पर सलमान खान के आसपास तैनात कड़ी सिक्योरिटी देख शार्प शूटर पकड़े जाने के डर से आखिरी समय में पीछे हट गया। हाल ही में कंगना रनौत की फिल्म धाकड़ रिलीज हुई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। अब फिल्म रिलीज होने के 2 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद कंगना ने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी फिल्म के फ्लॉप होने पर रिएक्ट करते हुए खुद को बॉक्स ऑफिस क्वीन बताया है। इतना ही नहीं, कंगना ने अपनी पिछली फिल्मों के हिट होने के आंकड़े गिनाए और कहा कि अभी ये साल बाकी है। डालिए नज़र कंगना की इस पोस्ट पर। सोमवार को दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के बीमार होने की अफवाह उड़ी। ऐसी खबरें आईं कि धर्मेंद्र अस्पताल में भर्ती हैं। हालांकि उनके दोनों बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने इस बात का खंडन किया था, लेकिन इन अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए धर्मेंद्र ने भी एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में उन्होंने अफवाहों का खंडन करते हुए खुद को बिल्कुल ठीक बताया है। डालिए नजर इस पोस्ट पर। सलमान खान की फिल्म कभी ईद कभी दिवाली काफी टाइम से लाइमलाइट में है। कुछ दिन पहले इसके प्रोडक्शन और कास्ट में बदलाव को लेकर बातें सामने आई, तो वहीं अब सुनने में ये आ रहा है कि सलमान खान इस फिल्म का टाइटल बदलकर भाईजान रखने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस फिल्म से जुड़ी एक और अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में टीवी की दमदार एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी और एक्ट्रेस पलक तिवारी की एंट्री हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पलक फिल्म में जस्सी गिल के अपोजिट नजर आएंगी। फिल्म निर्माता निर्देशक करण जौहर, लॉयर और एक्टिविस्ट सी शंकरन नायर पर एक बायोपिक फिल्म बनाने जा रहे हैं। इसकी घोषणा करण ने पिछले साल अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की। इस फिल्म की कास्ट को लेकर खबरें सामने आ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करण ने इस बायोपिक के लिए अक्षय कुमार और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अनन्या पांडे का नाम फाइनल कर लिया है। अर्जुन कपूर अपनी फिटनेस जर्नी की अपडेट अक्सर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। हाल ही में अर्जुन ने एक तस्वीर शेयर की जिस पर एक इंटरनेट यूजर ने कमेंट कर उनकी बॉडी साइज के लिए उन्हें ट्रोल किया। इस पर अर्जुन ने उस व्यक्ति को करारा जवाब दिया और अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जैसे ही अर्जुन ने ये पोस्ट शेयर किया, उनके सपोर्ट में उनकी खास दोस्त अनुष्का शर्मा और उनकी रूमर गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा आईं। उन्होंने अर्जुन की तारीफ कर उन्हें हिम्मत दी। डालिए नजर इन पोस्ट पर। 7 साल डेट करने के बाद दक्षिण अभिनेत्री नयनतारा और निर्देशक विघ्नेश शिवन शादी के बंधन में बंध गए हैं।
दोनों ने महाबलीपुरम में शादी रचाई है। शादी में साउथ और हिंदी सिनेमा की कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई हैं। इस शादी का हिस्सा नयनतारा की जवान के को स्टार शाहरुख खान भी थे। इनकी शादी की पहली तस्वीरें बाहर आ चुकी हैं, जिसमें दोनों बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। डालिए नज़र इन तस्वीरों पर। फिल्म परदेश से बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने वाली हीरोइन महिमा चौधरी को ब्रेस्ट कैंसर है। बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर ने इसका खुलासा किया है। अनुपम खेर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में महिमा चौधरी अपनी बीमारी के बारे में और उन्होंने किस तरह से इससे डील किया इस बारे में बताती हुई भावुक हुई। डालिए नज़र अनुपम खेर की इस पोस्ट पर। शमिता शेट्टी और राकेश बापट लंबे वक्त से अपने अफेयर को लेकर सुर्खियों में हैं, लेकिन अब इस कपल के फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि राकेश और शमिता का ब्रेकअप हो चुका है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों से पता चला है कि शमिता और राकेश ने आपसी सहमति से अलग होने का फैसला किया है। हालांकि दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता अभी भी बरकरार रहेगा। Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe. Follow our channel Absolute India News on Facebook, Twitter, Instagram, YouTube and website.